बात आज से 2100 साल पहले की है। एक किसान ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पुष्यमित्र। पूरा नाम पुष्यमित्र शुंग। और वो बना एक महान हिंदू सम्राट जिसने भारत को बौद्ध देश बनने से बचाया। अगर ऐसा कोई राजा कंबोडिया, मलेशिया या इंडोनेशिया में जन्म लेता तो आज ये देश भी हिंदू होते। जब सिकंदर ब्राह्मण राजा पोरस से मार खाकर अपना विश्व विजय का सपना तोड़कर उत्तर भारत से शर्मिंदा होकर मगध की ओर गया था, उसके साथ आए हुए बहुत से यवन वहां बस गए। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद उनके वंशजों ने भारत में बौद्ध धर्म लागू करवा दिया। ब्राह्मणों के द्वारा इस बात का सबसे अधिक विरोध होने पर उनका सबसे अधिक कत्लेआम किया गया। हजारों मंदिर गिरा दिए गए। इसी दौरान पुष्यमित्र के माता पिता को धर्म परिवर्तन से मना करने के कारण उसकी आंखों के सामने ही काट दिया गया। बालक चिल्लाता रहा, मेरे माता पिता को छोड़ दो, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। माँ बाप को मरा देखकर पुष्यमित्र की आंखों में रक्त उतर आया। उसे गांव वालों की संवेदना से नफरत हो गई। उसने कसम खाई कि वो इसका बदला बौद्धों से जरूर लेगा और फिर जंगल की ओर भाग गया। एक दिन मौर्य नरेश बृहद्रथ जंगल में घूमने को निकला। अचानक वहां उसके सामने एक शेर आ गया। शेर सम्राट की तरफ झपटा। शेर सम्राट तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक लंबा चौड़ा बलशाली भीमसेन जैसा बलवान युवा शेर के सामने आ गया। उसने अपनी मजबूत भुजाओं में उस मौत को जकड़ लिया, शेर को बीच में से फाड़ दिया और फिर सम्राट को कहा कि अब आप सुरक्षित हैं। अशोक के बाद मगध साम्राज्य कायर हो चुका था। यवन लगातार मगध पर आक्रमण कर रहे थे। सम्राट ने ऐसा बहादुर जीवन में नहीं देखा था। सम्राट ने उससे पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, ब्राह्मण हूं महाराज। सम्राट ने कहा, सेनापति बनोगे? पुष्यमित्र ने आकाश की तरफ देखा, माथे पर रक्त तिलक करते हुए बोला, मातृभूमि को जीवन समर्पित है। उसी वक्त सम्राट ने उसे मगध का उपसेनापति घोषित कर दिया। जल्दी ही अपने शौर्य और बहादुरी के बल पर वो सेनापति बन गया। शांति का पाठ अधिक पढ़ने के कारण मगध साम्राज्य कायर हो चुका था। पुष्यमित्र के अंदर की ज्वाला अभी भी जल रही थी। वो रक्त से स्नान करने और तलवार से बात करने में यकीन रखता था। पुष्यमित्र एक निष्ठावान हिंदू था और भारत को फिर से हिंदू देश बनाना ही उसका स्वप्न था। आखिर वो दिन भी आ गया। यवनों की लाखों की फौज ने मगध पर आक्रमण कर दिया। पुष्यमित्र समझ गया कि अब मगध विदेशी गुलाम बनने जा रहा है। बौद्ध राजा युद्ध के पक्ष में नहीं था, पर पुष्यमित्र ने बिना सम्राट की आज्ञा लिए सेना को जंग के लिए तैयारी करने का आदेश दिया। उसने कहा कि इससे पहले दुश्मन के पांव हमारी मातृभूमि पर पड़े, हम उसका शीश उड़ा देंगे। ये नीति तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के धार्मिक विचारों के खिलाफ थी। सम्राट पुष्यमित्र के पास गया और गुस्से से बोला, ये किसके आदेश से सेना को तैयार कर रहे हो? ये सुनकर पुष्यमित्र का पारा चढ़ गया। उसका हाथ उसकी तलवार की मुठ पर था। तलवार निकालते ही बिजली की गति से सम्राट बृहद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर बोला, ब्राह्मण किसी की आज्ञा नहीं लेता। हजारों की सेना ये सब कुछ देख रही थी। पुष्यमित्र ने लाल आंखों से सम्राट के रक्त से तिलक किया और सेना की तरफ देखा और बोला, ना बृहद्रथ महत्वपूर्ण था ना पुष्यमित्र, महत्वपूर्ण है तो मगध, महत्वपूर्ण है तो मातृभूमि। क्या तुम रक्त बहाने को तैयार हो? उसकी शेर की सी गरजती आवाज से सेना जोश में आ गई। सेना नायक आगे बढ़कर बोला, हाँ सम्राट पुष्यमित्र, हम तैयार हैं। पुष्यमित्र ने कहा, आज मैं सेनापति ही हूँ, चलो काट दो यवनों को। जो यवन मगध पर अपनी पताका फहराने का सपना पाले थे, वो युद्ध में गाजर मूली की तरह काट दिए गए। एक सेना जो कल तक दबी रहती थी, आज युद्ध में जय महाकाल के नारों से दुश्मन को थर्रा रही थी। मगध तो दूर, यवनों ने अपना राज्य भी खो दिया। पुष्यमित्र ने हर यवन को कह दिया
कि अब तुम्हें भारत भूमि से वफादारी करनी होगी, नहीं तो तुम काट दिए जाओगे। इसके बाद पुष्यमित्र का राज्याभिषेक हुआ। उसने सम्राट बनने के बाद घोषणा की कि अब कोई मगध में बुद्ध धर्म को नहीं मानेगा, हिंदू ही राज धर्म होगा। उसने साथ ही ये भी कहा कि जिसके माथे पर तिलक ना दिखे वो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद पुष्यमित्र ने वो किया जिससे आज भारत कंबोडिया नहीं है। उसने लाखों बौद्धों को मरवा दिया। बुद्ध मंदिर जो हिंदू मंदिरों को गिराकर बनाए गए थे उन्हें ध्वस्त करा दिया। बुद्ध मठों को तबाह कर दिया। चाणक्य काल की वापसी की घोषणा हुई और तक्षशिला विश्वविद्यालय का सनातन शौर्य फिर से बहाल हुआ। शुंग वंशावली ने कई सदियों तक भारत पर हुकूमत की। पुष्यमित्र ने उनका साम्राज्य पंजाब तक फैला दिया। उनके पुत्र सम्राट अग्निमित्र शुंग ने अपना साम्राज्य तिब्बत तक फैला लिया और तिब्बत भारत का अंग बन गया। वो बौद्धों को भगाता हुआ चीन तक ले गया। वहां चीन के सम्राट ने अपनी बेटी की शादी अग्निमित्र से करके संधि की। उनके वंशज आज भी चीन में शुंग उपनाम ही लिखते हैं। पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध के शाही ब्राह्मण वंशावली के बाद शुंग शायद सबसे बेहतरीन ब्राह्मण साम्राज्य था, शायद पेशवा से भी अधिक महान। शुंग साम्राज्य जब तक रहा, किसी यवन आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई भारत भूमि पर आक्रमण करने की सोचने की भी। पुष्यमित्र ने यह दिखला दिया था कि अगर हम शक्तिशाली हैं तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि पुष्यमित्र की इस वीरता को उनके साहस को आम जनमानस तक पहुंचने से रोका गया और बदले में हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया। ऐसा करने के पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या थी, ये अब हमें समझना होगा। अहिंसा के ज्यादा प्रचार से धर्म का सिर्फ नुकसान ही होता है। असलियत में धर्म बलिदान मांगता है और इसीलिए कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। गर्व करें अपने पूर्वजों पर जिन्होंने अपने को बलिदान कर हमें आज सर उठाकर जीने का अधिकार दिलाया। इसलिए समर्थन ऐसे व्यक्ति का करें जिसके गौरव से स्वयं भी गौरवान्वित हों। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा धर्म हमें साहसी बनाए न कि कायर। इसीलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। हिंदुओं के इस गौरवशाली इतिहास को दूसरों के साथ भी अवश्य साझा करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।